हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल टैग दीपक रसगोन में। मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा, ये मेरे पास एक जियोनी का F11 मॉडल है। F11 आप देख सकते हो, उसकी स्लिप में नटा रखी है। तो ये F11 मॉडल है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है इन केस कि इसमें जैसे इसका ये नया फोल्डर है, पुराना फोल्डर है, फोल्डर टूटा पड़ा है, ठीक है, ब्रेक हुआ पड़ा है। तो इसका हमें क्या करना है, फोल्डर चेंज करना है। तो आप इसको देख सकते हो, ये हम इसका नया मार्केट से बाय करके लाए हैं। तो इसके पत्ते में क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है कि उसमें थोड़ा वो फिट नहीं होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे ये क्रोम है, ये क्रोम आप देख रहे हो, इसमें कटिंग यहाँ तक आती है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जब हम इसको इस तरीके से फिट करते हैं, इस तरीके से, तो ये अपना इधर तक रह जाता है और आगे नहीं पहुँच पाता है, इस साइड से आगे नहीं पहुँच पाता है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको इधर से कट कर देंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ से और यहाँ तक कट किया, इस तरीके से हमें इसे कट कर देना है। और उसके बाद ये हमारा फोल्डर क्या है, प्रॉपर फिट हो जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर फिट हो जाएगा। और प्रॉपर फिट होने के बाद में ये पत्ता भी इसका लग जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसको चला के। तो आपको इसी तरीके से इसको फिट करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने बैटरी लगा ली और हम इसको चालू करते हैं। अब ये देखिए, ये हमने अपना फोल्डर चालू कर लिया है। तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस टाइप से करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्या है, अपने मोबाइल पर ऊपर ही काम कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में दुकान पर ही कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप इसको समझने की कोशिश करना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।